तो इसके लिए एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का गठन होगा। अगर जीएसटी के तहत कम हुए टैक्स का लाभ ग्राहक को नहीं दिया तो कारोबारी को गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे के साथ 18% जुर्माना भी देना होगा। हर राज्य में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी जो शिकायतों का निपटारा करेगी। इन शिकायतों को 2 महीने में निपटाना अनिवार्य होगा। अगर शिकायतें सही पाई गई तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट अथॉरिटी को देंगे और इसके बाद अथॉरिटी 3 महीने के अंदर कार्रवाई करेगी। यही नहीं, जुर्माने में वसूल की गई राशि ग्राहकों को देने का भी प्रावधान है। अगर ग्राहकों के पास पैसे पहुंचाना संभव नहीं हुआ तो ये पैसा सरकार के पास जमा हो जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारी अनाप शनाप मुनाफा न कमाए इसके लिए सरकार ने एंटी प्रॉफिटिंग रूल्स को नोटिफाई कर दिया है। यानी इस नियम के बाद अगर कोई कंपनी मुनाफाखोरी करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। ये नियम अगले 2 साल के लिए मान्य रहेगा। साफ है, जीएसटी लागू होने के बाद ग्राहकों को फायदे से वंचित रखने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ये नियम मान्य होगा।